नाजरीन डांस कर रही तो अंदर डाकू घुस आए। हाय मैं मर गई। डाकुओं ने पिस्तौलें निकाल ली, फिर चेलों ने बातें देनी शुरू कर दी। अच्छा, नाजरीन ने डर के चेलों से कहा नहीं डाकू हैं, कड़े कराओ। डाकुओं ने समझा इनके पास सोने के कड़े हैं, उन्होंने कहा अब तो लेके ही जाएंगे। और चलो उठो यहाँ से निकलो, चलो। अभी खाना खा के चले जाएंगे। कोई खाना नहीं है, दरबार लगा हुआ यहाँ। उठो चल जावाश। चले आपको जल्दी है तो आप हमें खाना पैक कर दे। और मैं तुम तीनों को पैक कर दूंगा। और निकल क्या देख रहा है, चल चल। मैं मर गई जे कूड़ दे सिंह हुंदे ते इन्ने 12 सिंगा होना साजे। ओके आई ये सब। मैंने तो नहीं बुलाया, वो खुद आए। शीशे में देख, ये बब्बर शाह की शक्ल है, बब्बर शाह की। तुझे अंदाजा है कितनी बड़ी ताकत है तेरे पास? इस शक्ल के साथ तू मुंह से जो भी निकाले वो पूरा हो सकता है। हार ये समझ। अरे बोल है हार ये। और इस शक्ल से तू किसी की जान ले भी सकता है और किसी की जान बख्श भी सकता है। ताकत पहचान अपनी। क्या करता रहा अब तक तू जिंदगी में? ये और अब जब सारी दुनिया तुझे बब्बर शाह समझ रही है तब भी ये करना चाहता है। मेरे पास ये शक्ल होती ना, मैंने दुनिया में कयामत बर्पा कर देनी थी। आखिरी मौका है तेरे पास। सारी जिंदगी जिस जिस बंदे ने तेरे से नफरत की है, तेरा मजाक उड़ाया है, तेरा तमाशा बनाया है, अब तेरे पास मौका है, तू सबको तमाशा बना। यही मौका है बदला लेने का। इस मौके को जाया ना कर। नाश्ता उसने बहुत अच्छा बनाया। और जरा मिर्चें ज्यादा डाली कर, मरीजों वाला खाना होता है। बगे शाहजी से कोई मिलने आए ना तो वो कह रहे उसको अंदर ना भेजना, मिलना नहीं चाह रहे वो। तबीयत तो ठीक है ना शाहजी? हाँ तबीयत ठीक है, बस वो बाबू की ऐसे थोड़े परेशान है, सेट हो जाएंगे। और वो तो और जब तेरा पेट भर जाए ना फिर मुझे भी नाश्ता दे देना। ए, कर ले तू नाश्ता, कर ले। क्या नाश्ता करूं, करने दे रहे नाश्ता? बाबा जी से मिलना है। इजाजत नहीं है मिलने की। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हटो पीछे। ये क्या बदतमीजी है, अंदर आने दो मुझे। बग्गे भाई ये देखें, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा, क्या हो रहा है? वो मुन्नी जी माजर चाहता हूँ, शाहजी ने सख्ती से मना किया है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते। मुझसे भी नहीं बग्गे भाई? नहीं नहीं मेरा नहीं कहा होगा, आप उनको बताएं सब ठीक है ना, शाहजी ठीक है? एक तो उनकी तबीयत सही नहीं है और दूसरा वो बाबू की वजह से बड़े सख्त परेशान है, वो बिल्कुल उनके बच्चों जैसा था। हाँ लेकिन आप उनको बताएं तो सही एक बार मेरा कि मैं आई हूँ। नहीं मुन्नी जी मैं ये नहीं कर सकता, बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं। ठीक है आप ही पूछ लीजिएगा। जी मैं पूछ लूंगा, एक बार फिर माजर चाहता हूँ।
शाहजी तबीयत कैसी है आपकी? शाहजी अब तो बाबू भी चला गया, तो प्लास्टर का क्या करना है? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसको। शाहजी मेरे हिसाब से असला बहुत है हमारे पास, मैं बाकी शहरों से भी बंदे बुला लेता हूं। चढ़ाई करते हैं शाहजी, वे की जाएगी। आपके बाहर या तो वो नहीं या फिर आपका ये बग्गा नहीं। ऐसे नहीं बैठा जाता मुझसे शाहजी। मैंने बिल्ले से कहा है, वो प्लान कर रहा है। ठीक है शाहजी, जैसे आपका हुक्म। ये क्या मतलब है कबूतर कैलकुलेटर फूल का? क्या दो नंबरिया करता रहा है बाबू? और पता है किसी को क्या मतलब है इसका? पता नहीं यार, बाबू के हिसाब था कोई। वो राजू का माल आ रहा है, 3 ट्रक है, क्लियर करवा लो। ठीक है बिल्ला भाई। शाबाश बगे, और देख ले सुल्तानपुर तूने जाना है या किसी और को भेजना है। मेरे ख्याल से खुद ही चला जा, फिर मुख्तारे की बातें सुननी पड़ती है। ठीक है, हाँ चला जाऊंगा। बिल्ले, हाँ प्लास्टर का क्या करना है? प्लास्टर को मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। कब कब मारेंगे प्लास्टर को? जल्दी। ये बाबू ना होता ना, अब तक मैंने प्लास्टर का 4,000 करा देना। बहुत सुस्त आई, लेकिन अब तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गया हूं, अब नहीं छोड़ेंगे उसे। सलाम अलैकुम बिल्ले भाई। हाँ वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम फकीर भाई। वालेकुम बिल्ले भाई। वो बाबू भाई गया, बाबू हमेशा के लिए यहां से चला गया। आगे बोलो। लेकिन बिल्ले भाई, उन्होंने मुझे एक चेक देना था, मैंने आगे पेमेंट करनी है और कुछ सामान भी मंगवाना है, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। कितने का चेक था? 4,00,000 का। अच्छा 4,00,000। अब ये बताओ कि पहले कितने पैसे लिए हैं तुमने? ये 3,75,000 तीन किस्तों में। तो अब ये बताओ कि ये 3,75,000 वापस कब करोगे? बिल्ले भाई मैं समझा नहीं। समझे नहीं, मैं दोबारा से पूछता हूँ, ये 3,75,000 वापस कब करोगे? अब भाई समझ। बहुत अय्याशियां हो गई, बाबू के साथ मिलके ना शाहजी को बहुत लूट लिया तुम लोगों ने। अब ऐसे नहीं चलेगा, शाहजी बहुत गुस्से में। उन्होंने कहा है 1 हफ्ते के अंदर सारी पेमेंट वापस चाहिए। उतर जाओ, पहले वाले पैसों का बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे अब चपली की ना खैर नहीं है। पहले पहले पैसे, फिर अगला खाता। चलो शाबाश। दिल भाई वो बस खुदा हाफिज। अब ये घड़ी का क्या मतलब है? 11 बजे हुए हर जगह पे। नहीं क्या मतलब, पैसे वापस मांग रहे हैं? बाबू कह रहे थे कि बाबू भाई ने
बब्बर शाह का काफी पैसा इधर उधर किया है, तो इससे हमारा क्या लेने देना? उन्होंने कहा कि बाबू भाई ने मेरे कैफे के लिए बब्बर शाह के अकाउंट से 1 मिलियन निकलवाया। 1 मिलियन? ये कितने होते हैं? दस लाख। 10 लाख? हमारे पास कहां से आए 10 लाख? वो ये पागल हो गया है बिल्ला, वो जाकर पूछे उससे, बाबू से, नहीं तो मैं जाके कल बब्बर शाह से बात करूंगा। बब्बर शाह ने कहा अब्बा कि क्या कहा है? अगर पैसे ना दिए तो क्या? तो वो घर और ढाबे पे कब्जा कर लेगा। ये कैसे हो सकता है? बब्बर शाह ऐसा नहीं कर सकता, वो तो खुद ही तुम्हें कारोबार करवाना चाह रहा था। ये तूने फंसाया है मुझे, तूने, तेरे सर पे इश्क चढ़ा हुआ था कि मैंने शादी करनी है तो कारोबारियों की लड़की से करनी है, नहीं तो मर जाऊंगा। इससे बेहतर था कि तू मर ही जाता तो अच्छा था। अभी इस उम्र में बाप को जलील करवा रहा है तू। जा दे अब 10 लाख जहां से देने हैं लाके दे, मैं क्या कर सकता हूं। काके काम उठा दे आप, लेकिन जो भी करना है ना अकल से करना है, बहुत जज्बाती नहीं होना, ठीक है? बड़ा इंतजार किया इस दिन का मैंने, कल मिलते हैं। अच्छा फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यासिर अब्बा मुझसे रोज पूछते हैं तुम्हारे कैफे के बारे में, वो चाहते हैं कि शादी से पहले तुम्हारा कैफे कंप्लीट हो जाए। क्या जवाब दूं उन्हें मैं यार? अच्छा मैं अब्बा से बात करती हूँ, तुम एक काम करो कि उनसे कुछ पैसे उधार ले लो, इससे तुम्हारा कैफे तो कंप्लीट हो जाएगा ना। यार निदा तुम बात को क्यों नहीं समझ रही, वो लोग मुझसे पिछले पैसे मांग रहे हैं। मेरे हिसाब से अब तक मैं उनसे 3,75,000 ले चुका हूं, कहां से दूंगा मैं? और तुम हो गए कैफे कंप्लीट करने का। यासिर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी परेशान हो रहा हूं। वो लोग मेरे घर और ढाबे पर कब्जा करने का सोच रहे हैं, और तुम्हारे लिए मैं भी परेशान हो रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए अहम यह है कि तुम्हारे अब्बा को कैफे बना हुआ नजर आ जाए, ताकि वो खानदान में सुरखरू हो सके। यासिर बब्बर शाह को तो तुम भी जानते हो ना, वो ऐसा बंदा नहीं है, क्यों करेगा वो कब्जा? उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी जो आज नहीं तो कल क्लियर हो ही जाएगी ना। देखो इस सब में तुम अपना काम तो मत रोको, क्यों बिला वजह पैनिक हो रहे हो तुम? हाँ मैं पैनिक हो रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ओके शादी तक कैफे नहीं बनेगा। अगर तुम्हारे अब्बा को मेरे अलावा कैफे से शादी करनी है तो ढूंढ ले तुम्हारे लिए कोई 5-स्टार होटल का मालिक। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, मुश्किल हालात तुमसे हैंडल नहीं होते, हमेशा एस्केप ढूंढते हो तुम। मैं एस्केप ढूंढता हूं? तुमसे शादी के खातिर क्या कुछ नहीं किया मैंने, जान तक देने को तैयार हो गया। वो भी तो एस्केप ही था ना तुम्हारा। जाओ फिर ढूंढो फिर अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला बंदा, मैं नहीं हूं तुम्हारे काबिल। पैसे पुत्र, यार ये तो पूरा लाख रुपया है, इतने पैसे कहां से आए हैं? किसके हैं तेरे पैसे? आपके ये सारे पैसे हैं? हाँ अब्बा जी आप कहते थे ना मुझे कि सारा दिन सारी रात कहां वारागर्दी करता है, ये है वो वारागर्दी। मैंने कहा चले 4 पैसे इकट्ठे हो जाए फिर गुड न्यूज दूंगा आपको, अपना काम शुरू किया मैंने। अच्छा कैसा काम पुत्र?
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो। वो मेरा दोस्त है ना यूनिवर्सिटी वाला आजम किरमानी, उनका फैमिली बिजनेस है, उन्हीं के साथ कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए। 6 महीने से सारे पैसे पुत्र? पैसे तो काम जैसा चलेगा, पैसे भी तो वैसे ही आएंगे ना। अरे ले सिखो सिखो मेरे पुत्र, तो कुछ मैं ना कहती मेरा पुत्र आवारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शहजादा खाना खाओ या खाना ले? आज क्यों नहीं पुत्र, वो बंदे तो इतबारी है ना, मेरा मतलब है कि हाँ जी इतबारी है, लोग बड़े शरीफ लोग हैं। सूट आपका पुराना हो गया, दिखाऊंगा आपको फोन पे, वेबसाइट नहीं बनी है, यार ने बनाई है मेरा, ये देखिए। पैसे आ गए, ले लूंगी रोटी ले आऊं तेरे लिए, पसंद तो कर जाए। चलो क्या बात, साबर शाकर से कहो कि मुझे मेरे बच्चे यहां चाहिए मेरे पास। दिमाग खराब हो गया तेरा, बैठ जा आराम से। दुआ करके मेरा दिमाग खराब हो ना जाए, इसलिए मेरे बच्चे यहां लेके आ और उनके रहने का यहां अच्छा बंदोबस्त कर, वरना मैं ये काम नहीं करूंगी। गा समझ आई? उल्टा लटका आके ना चमड़ी उधेड़ दूंगा, जानता नहीं है मुझे। मगर मैं अपने आप को जान गई, अभी बाहर निकल के एक आवाज लगाऊंगी ना तो ये लोग तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, तुझे चीर फाड़ देंगे। इसलिए जो मैं कहती हूं ना वो कर, समझ आई? आप मजा आएगा। मेरा मौका क्या बदतमीजी इंसान की, तेरे कहने पे शादी का कार्ड पड़ा था मैंने, तेरा नाम मुझे पसंद नहीं आया, मिटा दिया मैंने।
ओ हेलो चपली, किधर? अरे बिला जी वो कारोबारी के लड़के ने ना मेरे बेटे को बहुत मारा है जी। अच्छा तो फिर आप शाहजी को बताएं ना। शाहजी ने क्या करना है? वो जी उसको बुला के उसको जरा बस तुम्हारे तमाशे खत्म ही नहीं होते। कभी कारोबारी आके तुम्हारे बेटे को मारता है, कभी तुम्हारा बेटा करता है मैंने फांसी चढ़ना है, कभी हमसानी के हमले, और कभी फड्डे, कभी शादियाँ, और तुम्हारे स्टार प्लस के ड्रामे खत्म नहीं होते। चलो दफा हो यहाँ से, कोई शाहजी ने नहीं मिलना, आइंदा आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। चलो और हाँ, वो जो पैसे हैं ना उसका फौरन से इंतजाम कर, ये ना फिर गुस्से में हमसे कोई ऊंच नीच हो जाए। शाहजी बहुत गुस्से में हैं। हिम्मत कैसे हुई? हाँ हिम्मत कैसे हुई आसिर को हाथ लगाने की? क्या बात, दर्द यहां तक पहुंच गया। बकवास बंद करो, जो मैं पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दो। क्या गाना था वो? हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अच्छा गा रहा हूँ, पत्थर से नहीं मारा, डंडों से मारा। ना गुस्सा, तुझे पता है नहीं था मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उधर ना कर यार, अभी जाकर अब्बा को शिकायत लगाती हूँ तुम्हारी। मेरी बात गौर से सुन, अगर अब वो तेरे और मेरे दरमियान में आया ना, आधा फैजान हम सामने का शान से मार दूंगा उसे। जा, इसको बताना है बता दे जाके। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे डंडों से मारा था। सही है फिजान जानू, सही है, सही जा रहे हैं। और मैंने तो पहले ही रोका था कि कारोबारियों से रिश्ता ना करो। ठीक कह रहा है, कभी घर आके मारते कभी बाहर, भला जुआई के साथ भी ऐसे करता कोई? और ऊपर से ये रिश्ते के चक्कर में जो मकरूज हुए अब वो अलग। ना मानो भाई हमारी भुगतो। सही कह रहे हो तुम, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस निकम्मे की बातों में आ गया और ये रिश्ता कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझे ये रिश्ता, नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई नहीं, कोई इसको क्या हालत करती। इसको दूध में हल्दी डाल के पिलाओ। क्या हुआ फजान? फजान क्यों होया है, क्यों रोला पा रहा है, क्यों परेशान है, बताएं तो सही। क्या हुआ भाई ना? यासिर को मारा इसने। ताजन क्या कह रहे हैं, तूने मारा यासिर को? बोल ताजन, आपकी इज्जत अपनी जगह है,
ये औरत ना मेरी माँ है, पर माँ की इज्जत ज्यादा है, माँ की गाली दी है उसने। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है, अपने हमारा नशेई दोस्तों के साथ मिलके यासर को डंडों से मारा इसने। लड़ाई में क्या पता चलता है ताजा, पिस्तौल चल रहा है कि डंडा। ओ मैं तो क्या बात कर रहा हूँ, क्या हो गया पागल हो, पागल हो गया मैं। रिश्ता खत्म कर दिया जबली ने इस न्यूज की वजह से। यही चाहते थे ना आप खुश हो? पर हम क्यों चाहेंगे? कहता था ना प्रधान से निकाह कर देते निदा का, यही चाहता था ना तू, यही चाहता था। फाइना आपकी इज्जत की खातर कहता था मैं, ताकि आपको चपली जैसे घर में रिश्ता ना करना। तो टूट गया रिश्ता यार, पढ़ के लेते बैठा पढ़ के डाल। गाली निकालेगा तो मार तो खाएगा ना, फिर देखिए आप खुद ही बताएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं शाह जी, आज फिर किसी बात पे लड़ पड़े हैं, कल को फिर ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों के पीछे लग के रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते ना शाह जी? बिल्कुल ठीक है। और फिर वो रिश्ता जो आपने करवाया, आपने जिम्मेदारी ली थी शाह जी? ली तो थी, एक दफा की जिम्मेदारी ली थी, सारी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी नहीं थी ली। तुम जानो और चपली जाने, मेरी तरफ से रिश्ता रखने रखो, तोड़ने तोड़ो मेरी जूती से। मगर शाह जी, बस शाह जी ने जो कह दिया ना कह दिया, उठे आप जाएं, खुदा हाफिज। गुड डे, शाबाश, ओके हो गई। हजरत एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए। बब्बर शाह की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि कल बब्बर शाह के डेरे पर पंचायत लगेगी और फकीरे के खजाने का फैसला होगा। मुझे रास्ते से हटाने के बाद साबर शाह के और बिल्ले की राह हमवार हो चुकी थी। बिल्ले की दरिंदगी के साथ अब साबर और शाकिर की सफाक अय्यारी भी मिल चुकी थी और प्लान भी वही था जो हमेशा कामयाब होता है। लाली गरम गरम सीखें लगनी है तुझे, ये तो अच्छा नहीं कर रही, नहीं अच्छा कर रही। गरम कोयला रखना अल्लाह ने तेरी जुबान पे। बगे भाई, बबर जी वो तो अपने कमरे में है लेकिन उन्होंने मना। मुझे पता है उन्होंने आपको रोका हुआ है, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस यू। प्लीज जाने दें। थैंक यू बगा भाई। ये हेलो लाली जी। जी आई नो आपने अंदर आने से रोका है, मुझे बोला था वगे भाई ने, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप उसको नहीं डांटेंगे।
थैंक यू लाली जी। पता है पहले मैंने सोचा कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब कोई कहता है ना कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। जी तो दरअसल उसी वक्त में ही तो हमें दूसरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना जी। लुक लाली जी, मैं अगर आपसे ये कहूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये अपने निशानात पीछे छोड़ जाएगा। लाली जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। लाली जी आप रो रहे हैं। लाली जी और क्या प्याज काट रहे हो? लाली जी आप मत रोएं प्लीज। लाली जी मुझे भी रोना आ रहा है आपके साथ। लाली जी पूरा जीवन अगर सबर शास्त्र डरता है वो यूं बच्चों की तरह रो रहा है। प्लीज अच्छा आप उठे जरा, आप उठे। ये देखो लाली जी प्लीज मत रोए। लाली जी मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप इस तरह किसी के सामने नहीं रोते होंगे। ऑनर लाली जी कि आप इस तरह रो रहे हैं मेरे आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ उसके सामने रो सकते हैं जिसके सामने रोकर हमें अपना आप कमजोर नहीं लगता। पर सच्ची बात ये लाली जी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपको रोता देखकर। पर एक और सच ये भी है कि मुझे अच्छा लग रहा है आपकी ये साइड देखकर। एक और भी गल है जी। दसो जी। लाली जी मनु ना तुहाडे नाल थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है जी। कसमें कसमें और भाई की हाल चाल? अब क्या हुआ है? और अब तो तेरे बच्चों से बात भी करा दी, अब क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? वो आई थी मुन्नी जी। अच्छा फिर ना कर। कसमें हैरान हो गए ना? मैं भी। वो कहना कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखती लाली जी,
और दिल में जो होता है वो साफ साफ बोल देती हूँ। कसमें क्या है ना लाली जी, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, नो लाइबिलिटी है ना। मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। मुझे इजाजत है लाली जी। कसम खा झूठी ना करती हूँ, बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। बब्बर जी आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।